हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में ईद व रक्षाबंधन साथ साथ अपने देश में गंगा जमुनी तहसीब विश्व में प्रसिद्ध है। उससे भी ज्यादा बाड़मेर में ये आपसी सद्भावना की परंपरा हमेशा से ही कायम है। हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल बाड़मेर में देखने को मिली, जहाँ एक दूसरे के त्योहार खूब प्रेम से मनाया जाता है। बाड़मेर की पुरानी सब्जी मंडी में रहने वाले दो हिंदू मुस्लिम परिवारों ने अपने बच्चों के बीच रक्षाबंधन का त्योहार राखी बंधवा कर मनाया, जो आगे भी जारी रहेगा। वर्षा चौहान का सगा भाई नहीं था, उसका ये दर्द था कि वो किसी को राखी नहीं बांधती थी। वे हमेशा इस त्योहार पर साई बाबा को अब तक राखी बांधती थी। आज उनकी तीन बच्चियां हैं, उनके भी भाई नहीं। इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन में उनकी बच्ची पॉजिटिव हो गई, वे भी इनके साथ कोविड सेंटर गई। वहाँ ही पड़ोस की निशा शेख पत्नी दिलावर शेख से मुलाकात हुई, वे भी पॉजिटिव थी, हम साथ रहे। तब बातों बातों में एक दूसरे से इतनी गहरी बनी कि दो धर्मों के बीच दीवार नजर ही नहीं आई। आज ईद पर निशा के यहाँ मुबारक देने पहुँची तो उन्होंने अपने बच्चों को हमारी बेटियों का भाई बनाने का फैसला किया, जिस पर मुझे खुशी के साथ आंखों में खुशी के आंसू आए और मैंने इसको स्वीकार कर लिया। इस खुशी के अवसर पर वर्षा की बेटियों ने निशा के बेटों को परंपरागत तरीके के आरती तिलक लगाकर राखी बांधी। वहीं निशा के बेटों ने अपनी बहनों को गिफ्ट देकर रक्षा का वचन दिया। पुरानी सब्जी मंडी में रहने वाले मुस्लिम शिक्षक परिवार ने हमेशा से गंगा जमुनी तहसीब को जिंदा रखा है। आज वे नहीं है, उनके पीछे परिवार ने हिंदू बेटियों से राखी बंधवाकर हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने की परंपरा जारी रखी। और आपने आज किसको राखी बांधी है? ईशान और दिलशान। अच्छा, आपने पहली बार रक्षाबंधन मनाया? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ। इसलिए हमने दिलशान और ईशान को राखी बांधी है। आप कहाँ रहते हैं? बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ पर? पुरानी सब्जी मंडी। हमारे मेरी बेटियों के प्लस मेरे कोई भाई नहीं है, तो हम लोग हमेशा साईं बाबा को राखी बांधते हैं। बट आज इन्होंने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया, जो मैंने दिलशान और ईशान के रूप में मेरे बच्चों के लिए भाई ढूंढा, आज इनको राखी बांध करके मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरे भाइयों मेरी बेटियों को दो भाइयों का सहारा मिला, ये तो हमारा रक्षाबंधन ऐसा सुना सुना जाता था। तो आपके पहले आप किसको बांधते थे राखी? पहले हम लोग साईं बाबा को राखी बांधते थे। अच्छा, इस बार आपने? हमने दिलशान और ईशान को राखी बांधवाई। अब आगे भी आप इसी तरह बांधते रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। मेरे दोनों बच्चे ईशान और दिलशान की कोई बहन नहीं है, तो मेरी एक फ्रेंड बनी भारती, तो उनकी दो बच्चियां हैं तीन, उनके कोई भाई नहीं थे। मैंने अपने बच्चों को उनकी बेटियों से राखी बंधवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। रक्षाबंधन के अवसर पर हम दोनों का एक नया रिश्ता बना है, तो हम हिंदू मुस्लिम के जो भी रिलेशन को हम एकता बनाए रखना चाहते हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।